कि किडनी की वर्किंग पे या नेफ्रॉन की वर्किंग पे यहाँ पर कौन से हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं या इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो हार्मोन आता है, दिस इज एंटी डायूरेटिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन और एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड कब और क्यों रिलीज करेगी। ठीक है, ये हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड तब रिलीज करेगा, ठीक है, जब हमारे ब्लड में वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी कि हमारा ब्लड डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेटेड यानी कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो गई। जब हमारा ब्लड डिहाइड्रेटेड हुआ तो फौरन सेंस किया उसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने, और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर जो पोर्शन है वो रिस्पॉन्सिबल था इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिलीज के लिए। ठीक है, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने सबसे पहले ये सेंस किया दैट आर ब्लड इज गोइंग टू गो डिहाइड्रेटेड, ठीक है, जिसकी वजह से इसने रिलीज करवाया है एडीएच एंड वेजोप्रेसिन। एडीएच और वेजोप्रेसिन या सॉरी और वेजोप्रेसिन यहाँ पर क्या कर रहा होगा, ये इंश्योर करेगा मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम आर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन की भी क्या, कौन सी जगह से, कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन कब रिलीज होगा, जब हमारा ब्लड डिहाइड्रेटेड होगा। ठीक है, अच्छा, जब हमारा ब्लड डिहाइड्रेटेड होगा तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करवाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होने से होगा क्या, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी। किस साइट पर इंक्रीज होगी, कलेक्टिंग डक्ट में इंक्रीज होगी। ठीक है, वो कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन को कलेक्ट कर रहा था, उस यूरिन में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को वापस रीअब्सॉर्ब करवाया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन दैट इज एडीएच। और ये कब होगा, जब हमारा ब्लड डिहाइड्रेटेड होगा। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड में वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। इज दिस क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, जिसमें हमने एक ही हार्मोन पढ़ा है, वो एक हार्मोन क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। कब रिलीज होगा, जब हमारे ब्लड में वाटर मॉलिक्यूल्स का की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और ये करवाएगा क्या, ये मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएगा फ्रॉम दी कलेक्टिंग डक्ट। मिस अगर ज्यादा हो तो ज्यादा होगा, तो फिर ये रिलीज नहीं होगा। ठीक है, वो तो फिर सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही मेंटेन कर लेंगे। कनेक्शन लूज हुआ था, रिपीट कर देते हैं, कहाँ गया, यहाँ था। ओके, एडीएच एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसको हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। ये एडीएच हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कब रिलीज करेगा, जब हमारी बॉडी या हमारे ब्लड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं हमारी बॉडी में, वाटर को रिटेन करना है बॉडी में। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने जल्दी से एडीएच भेजा। एडीएच ने ये मैसेज दिया कलेक्टिंग डक्ट की वॉल के सेल्स को कि आपने मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करवानी है। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएंगे। ठीक, सेकंड है हमारे पास एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन वो हार्मोन है जो कि हमारी किडनी पर लगा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, हमने कहा था ना किडनी थी और किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ था, अटैच था। ठीक है, हमारी किडनी पर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, उस एल्डोस्टिरोन को रिलीज करेगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टिरोन हमारे नेफ्रॉन्स में सोडियम आयंस की रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एल्डोस्टिरोन आएगा और ये सोडियम आयंस की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगा हमारे नेफ्रॉन में।
ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि कुछ सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स हमारे मेडुलरी रीजन में रहते हैं ताकि हाइपरटोनिसिटी जनरेट रहे और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएं, ठीक है। लेकिन यही सोडियम आयन्स हमारे बॉडी के दूसरे मेटाबॉलिक मैकेनिज्म्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें ब्लड में भी चाहिए, ठीक है, और वो कौन करवाएगा? एल्डोस्टिरॉन करवाएगा। एल्डोस्टेरोन आएगा कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से आएगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारी ही किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और करेगा क्या? सोडियम आयन्स की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगा नेफ्रॉन्स में। तो पहला एडीएच देखा, जिसने वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करवाया है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। दूसरा हमने एल्डोस्टेरोन देखा, जिसने सोडियम आयन्स की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करवाया है नेफ्रॉन्स में, ठीक है। एल्डोस्टिरॉन एड्रिनल ग्लैंड से आया है, और एडीएच या एंटी डायबिटिक हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आया है, ठीक है। फिर हमारे पास एक थर्ड हार्मोन है। अच्छा, ये जो हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं ना, यही हार्मोन्स हम इससे भी ज्यादा डिटेल में अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं दोबारा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये हार्मोन्स कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म्स चलाते हैं, ठीक है, या उन्हें रेगुलेट करवाते हैं। तो अभी हमने सिर्फ इसको जो है वो किडनी के हिसाब से पढ़ा है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एक पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कहाँ से आएगा? पैराथायरॉइड ग्लैंड से आएगा, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, एंड पैराथॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आइन्स इन नेफ्रॉन। कहाँ लिखा है? कहीं तो लिखा होगा, ये रहा, कैल्शियम आइन्स की रीअब्सॉर्प्शन को इंश्योर करवाएगा नेफ्रॉन्स में, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन आएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड से, करवाएगा क्या? कैल्शियम आइन्स की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा नेफ्रॉन्स में। एड्रिनल ग्लैंड से क्या आएगा? एल्डोस्टिरॉन सोडियम आइन्स की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। एडीएच कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वाटर मॉलिक्यूल्स की रीअब्सॉर्प्शन को इंश्योर करवाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें क्लियर हैं? भाभी की बार बार कॉल आ रही है, वो शायद नाश्ते का बोल रही है, उन्हें बोल दे मैं ना लूँ। आधे घंटे की लाश होती है, 5 मिनट बच्चे आने में लगा देते हैं, 5 मिनट मैं गायब हो जाती। वाह, महारा को 70 टोपी तोपों की सलामी देते हैं हम। महारा बेटा, जरा मुझे बताओ कि आइंस को एब्जॉर्ब करने की क्या जरूरत है ब्लड में? क्या लगता है आपको महारा? जी महारा, आप ये क्वेश्चन आपने पूछा कि आयंस को वापस हमें एब्जॉर्ब करने की जरूरत क्यों है ब्लड में, तो आपको क्या लगता है क्यों होगी?
महारा के अलावा बाकी सब बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड। और महारा ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है, पीएच को भी हमें मेंटेन करना होता है, उसमें भी हमें आयंस की जरूरत होती है, ठीक है। और होम्योस्टेसिस के लिए भी जरूरी होता है, वेरी गुड, ठीक है। और दूसरे ऊपर लिखा है किसी ने कि हमें जो है वो मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है, तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो भी होम्योस्टेसिस ही है, ठीक है। तो हमने आपको याद है जब M7 और M8 ने तो मैकेनिज्म कर ही लिया है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे ऐसे आयंस हैं जो कि हम हमारे ब्लड में करते भी हैं और नहीं भी कर रहे होते, क्यों, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी से जो है वो एसिडिटी बढ़ भी सकती है, या ऐसे वो बेसिसिटी भी बढ़ सकती है हमारे ब्लड की, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, यानी कि वो भी अगेन एक होम्योस्टेटिक पॉइंट है हमारा, ठीक है, उसे मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, ओहो, हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, इन्हें बैलेंस कर रही होती है, या रीअब्सॉर्ब कर रही होती है या नहीं रीअब्सॉर्ब कर रही होती, ठीक है। तो तीन थे, पहला एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा था, एल्डोस्टिरोन था, सोडियम आयंस की रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा था, पैराथॉर्मोन था, ठीक है, ये क्या करवा रहा था, कैल्शियम आयंस की रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा था, ठीक है। अच्छा, ओहो, अब हम आते हैं वो यूरिन जो हमारे नेफ्रॉन्स ने फॉर्म कर दिया, ठीक है, वो यूरिन जो हमारे नेफ्रॉन्स ने फॉर्म कर दिया, उस यूरिन में क्या क्या हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबको पता है कि 95% तो उस यूरिन में क्या है, पानी, वाटर, ठीक है। अगर हमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, हमारी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, हम डायबिटिक नहीं है, तो हमें कोई प्रोटीन्स, कोई विटामिन्स, कोई ग्लूकोज हमारे उसमें यूरिन में नजर नहीं आएगा। अगर हेल्दी किडनी है, हेल्दी इंडिविजुअल है, तो वाटर 95% मिलेगा हमें, प्रोटीन ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं मिल रहा होगा हमें, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स और ग्लूकोज विटामिन्स वगैरह ये सब तो हमारी बॉडी ने स्टोर करके रखना होता है, ताकि आगे अगर यूटिलाइज करना हो तो हम कर सकें, ठीक है। यूरिया, क्योंकि हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट ही इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिलीज होता है बॉडी से, तो ये हमारे पास 2% मिल रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट ही की फॉर्म है, ठीक है। इनके देखो बिल्कुल 0.3 0.3 0.3, यानी कि बिल्कुल ट्रेसेस में जा रहे हैं ये बाहर, ठीक है। लेकिन मेन हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है, यूरिया है, इसलिए हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड आइंस भी हमारे जो है वो यूरिन में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, अगर एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स, सॉरी, हाँ, दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे आइंस भी, ये देखो अगर ये सब की बात करें ना, तो इन सबको मिलाकर इतना वॉल्यूम है 0.4। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम सिर्फ 0.4 जा रहा है, सिर्फ मैग्नीशियम 0.4 जा रहा है, या पोटेशियम, या ये, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर इनका जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 0.4% है, ठीक है। पीएच आप सबको पता है कि हमारी क्या होती है, 5 होती है यूरिन की, जो नॉर्मल है, ठीक है। यही अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है, वाटर अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है बॉडी से बाहर, या हमने बहुत ज्यादा इंटेक किया हुआ है, तो यूरिन डाइल्यूटेड भी हो सकता है, थोड़ी सी पीएच वेरी भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन वैसे जो नॉर्मल है वो क्या रहती है हमारी, 5, ठीक है। तो इसमें याद करने, अगर मैं ये टेबल को भी चाहूँ ना कि मैं इसको मेमोराइज करूँ, तो देखो ये बहुत ही ईजी है, वाटर 95% याद रखने वाली चीज है, ये हमने शायद बचपन से पढ़ा हुआ है, ठीक है। पीएच 5% है, याद रखने वाली चीजें हमने हमें बचपन से पता होता है, ठीक है। अगर हम हेल्दी हैं, क्या हो गया, अगर हम हेल्दी हैं, ठीक है, तो हमारे कोई ये इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे शुगर उसमें सॉरी यूरिन में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है, नहीं नजर आ रहे। यूरिया की बात करें तो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, यही है सब सॉलिड्स में जो ज्यादा निकलेगा हमारी बॉडी से, 2%, बाकी सब में देखो 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 है, ठीक है। सिर्फ क्लोराइड्स में क्या है, 0.6, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाते हैं वो क्या है, 0.4, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है, सिर्फ ये दो, क्लोराइड 0.6, बाकी जो सॉल्ट्स हैं वो क्या है हमारे पास, 0.4, ठीक है। पीएच हमें याद होती है 5 है, वाटर हमें पता है 95% है, ये सारी चीजें 0 0, ठीक है। यूरिया 2, और ये जो हमारे पास ट्रेसेस हैं 0.3 0.3 0.3 भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द यूरिन कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ वाटर, हमें पता है
95 के बाद जो बाकी 5% रह जाता है वो सब ये सॉल्ट्स हैं सारे, ये सब ये सॉलिड्स, ठीक है, ये सब। द एवरेज वैल्यू ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस पर 100 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हमें गिवन है, ये लिखी हुई है यहाँ, ठीक है। अच्छा अब ये नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, द एनालिसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन सैंपल इज एन इम्पॉर्टेंट मेडिकल प्रोसीजर इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, किडनी डिजीजेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने देखा है कि अक्सर जो हमारे टेस्ट होते हैं वो यूरिन बेस्ड टेस्ट होते हैं, हम सिर्फ यूरिन जो है वो देते हैं लेबॉरेटरी में और यूरिन की रिपोर्ट से ही पता चल जाता है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिफेक्ट है जिसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स यूरिन में आ रहे हैं, या इन्हें डायबिटीज है, ठीक है, जिसकी वजह से शुगर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, या प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी का भी टेस्ट हम यूरिन टेस्ट से करवा सकते हैं, ठीक है। किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो वो भी हमें यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है, उसमें पस सेल्स वगैरह या कुछ और आ रहा है या ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो काफी सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे सिर्फ यूरिन की कॉम्पोजिशन को ही देखकर पता लगाए जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यूरिन ही को हम देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें, इस यूरिन में ये चीजें प्रेजेंट हैं, इट मीन्स कि ये कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या ये डिजीज हो सकती है इस ऑर्गेनिज्म, ठीक। हाँ, वाटर कितना परसेंट है हमारे यूरिन में? नाइन्टी फाइव परसेंट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। बाकी जो हमारे पास वेस्ट, सॉलिड वेस्ट आता है हमारे यूरिन में, वो कितना परसेंट है? 5% है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, 5% है। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताओ पीएच क्या है हमारी यूरिन की? 5 है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जिसमें हम फैट्स ले लेते हैं, उसमें हम ग्लूकोज ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, अमाइनो एसिड्स ले लेते हैं, क्या किसी हेल्दी स्टूडेंट, कह रही हूँ, क्या किसी हेल्दी इंडिविजुअल में यूरिन में ये सब कुछ आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आएगा तो इट मीन्स कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इसके अलावा यूरिया जो हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी से बाहर आने के लिए, वो कितना परसेंट निकल रहा था? 2% निकल रहा था, वेरी गुड, ठीक है। बाकियों को हम याद रखेंगे 0.3 0.3 के लिए, और सिर्फ हमारे पास क्लोराइड था जिसमें क्या था हमारे पास वैल्यू 0.6 थी, वेरी गुड। क्लोराइड में सिर्फ हमारे पास 0.6 थी और कुछ हमारे पास ट्रेसेस थे बहुत सारे आयंस के, वो हमारे पास 0.4 था, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। चलो ये भी तो बता दो मुझे, एडीएच किसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो इंश्योर करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को इंश्योर करता है? एंटीबायोटिक हार्मोन, वाटर की, वेरी गुड। लड़का ने ऐसा लग रहा है पहले से वाटर लिख के रखा होता, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा उसके अलावा पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन कौन सा? हाँ वेरी गुड, ठीक है। और एल्डोस्टिरोन, एक का आंसर गलत है, एल्डोस्टिरोन हाँ जो बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा था वो हमारे सोडियम आइंस को कर रहा था, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। अच्छा अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे, चुन्नी मुन्नी सी टाइप्स हैं, एक नज़र में ही कवर हो जाती है। आपको याद है हमने कहा था ये कॉर्टिकल रीजन है, ये ऊपर जो पिंक कलर का नजर आ रहा है ना ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन क्या है? हमारे किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है। ये नीचे वाला क्या है? मेड्यूलरी रीजन। पहले यहाँ देखो, ये देखो, ये नीचे वाला रीजन क्या है? मेड्यूला, मेड्यूलरी रीजन। ये ऊपर वाला रीजन क्या है? कॉर्टेक्स, ये वाला। इस कॉर्टेक्स में आपको देखो नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये है मेल्फिजियन बॉडी, ठीक है, इस कॉर्टेक्स में नजर आ रहा है ये है मेल्फिजियन बॉडी, ये, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक। और इस कॉर्टेक्स रीजन से नीचे जा रही है ये लूपोफेनल, यहाँ से टर्न हो रही है वापस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ लूप आप देख रहे हो, बहुत छोटी सी लूप है जो अंदर नीचे मेडुलरी रीजन में आई है, यही नेफ्रॉन आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसकी जो लूप ऑफ फेनल है ये देखो कितनी लॉन्ग है, डीप इनसाइड द मेडुलरी रीजन जाकर वापस टर्न होकर फिर ऊपर जा रही है। तो ये दो अलग अलग टाइप के नेफ्रॉन्स हैं हमारे पास, हमारी किडनी में भी मौजूद है। इस नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रीजन जो है वो कॉर्टिकल रीजन में मौजूद है हमारा नेफ्रॉन, लूप ऑफ फेनल बहुत थोड़ा सा
नीचे गया है, डीप भी नहीं गया, बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही मेड्यूलरी रीजन में वापस, वो कॉर्टिकल रीजन में वापस चला गया। ठीक है, यहाँ पर ये डीप इनसाइड द मेड्यूलरी रीजन तक जा रही है इसकी लूप ऑफ हेनल, और उसके बाद ये वापस ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमें एक वाजे डिफरेंस नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है इन दी लूप ऑफ हेनल्स या इन द लोकेशन ऑफ दीज नेफ्रॉन्स। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इस नेफ्रॉन की मैल्फिजियन बॉडी भी कॉर्टिकल और कॉर्टिकल और मेड्यूलरी रीजन के जंक्शन पे यहाँ नजर आ रही है आपको, जबकि ये ऊपर है कॉर्टिकल रीजन में। ठीक है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका ये लूप ऑफ हेनल बहुत नीचे डीप इनसाइड दी मेड्यूलरी रीजन से होता हुआ आ रहा है, जिनकी ये मेल्फिजियन बॉडी और ये जो डक्ट्स हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ऑन दी जंक्शन ऑफ कॉर्टिकल एंड मेड्यूलरी रीजन प्रेजेंट हैं, इन्हें हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। मेड्यूलरी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये मेड्यूला में आते हुए फिर जा रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनल भी है इनके पास। ये वाले नेफ्रॉन्स क्या कहलाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, इस कॉर्टेक्स रीजन में, और थोड़ा सा लूप ऑफ हेनल कहाँ जा रहा है, मेड्यूलरी रीजन में जा रहा है। तो दीज आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड दीज आर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ देखो कि डार्क पिंक वाला रीजन मेड्यूला है, डार्क पिंक वाला रीजन मेड्यूला है, ऊपर लाइट पिंक वाला कॉर्टेक्स, लाइट पिंक वाला कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे अगेन, ये कौन सा नेफ्रॉन है हमारे पास, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इट मींस कि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन। छोटी सी लूप ऑफ हेनल कहाँ आई है, बस मेड्यूलरी रीजन में आई। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एट द जंक्शन ऑफ, ऑलमोस्ट नियर द जंक्शन ऑफ मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, यहाँ पर इसकी ट्यूब्यूल्स और मैल्फिजियन बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसकी लॉन्ग लूप ऑफ हेनल है, और वो लॉन्ग लूप ऑफ हेनल कहाँ जा रही है, वो जा रही है मेड्यूलरी रीजन के डीप इनसाइड दी मेड्यूलरी रीजन। ठीक है, तो इसको हमने कहा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। लेकिन इन दोनों का फायदा क्या है, ये एवोल्यूशन है एक तरह का। ठीक है, पहले ऐसे थे फिर ऐसे हो गए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्या है इनका कि दो अलग अलग टाइप के नेफ्रॉन्स हमें अल्लाह ताला ने दिए, ये दोनों हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये है कि यहाँ पर देखो, लूप ऑफ हेनल हमने कहा था कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनल में और कलेक्टिंग डक्ट में होती है वाटर की। ठीक है, जितनी लंबी लूप ऑफ हेनल होगी, लॉन्ग लूप ऑफ हेनल होगी, उतनी ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सकेगी। ठीक है, और देखो लूप ऑफ हेनल कहाँ मौजूद है, मेडुलरी रीजन में। तो मेडुलरी रीजन में हमने कहा था थोड़ी सी हाइपरटॉनिसिटी रहती है, ताकि मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर मूव करें और उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ हो सकती है, इन नेफ्रॉन्स में हो सकती है, जहाँ पर जक्स्टा मेडुलरी, जिसने जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और लूप ऑफ हेनल उनके पास बहुत लॉन्ग है। यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी, बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स उन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा प्रेजेंट होंगे जिन ऑर्गेनिजम्स में वाटर को रिटेन या कंजर्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नेफ्रॉन्स उन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा प्रेजेंट होंगे जहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवानी है, वी हैव टू एब्जॉर्ब और रिटेन वाटर इन आर बॉडी। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स सिर्फ 20% मौजूद है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 80% मौजूद है। ठीक है, 80% ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, वाइल 20% ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यही अगर मैं रेप्टाइल्स पे चले जाऊँ, ठीक है, जो बहुत ड्राई एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, या हम बर्ड्स में चले जाएं, ठीक है, तो यही नेफ्रॉन्स की परसेंटेज चेंज हो जाएगी इनमें, क्योंकि वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत है, वाटर अवेलेबिलिटी इनके एनवायरनमेंट में ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इनमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स शायद 80% हो जाएं और 20% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो जाएं। ये 80% क्यों हुए हैं, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सके, ठीक है, और मैक्सिमम वाटर रिटेन किया जाए बॉडी में। ठीक है, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इफेक्टेड बाय
पैराथॉर्मोन, देखो पैराथॉर्मोन और अगर हम एल्डोस्टिरोन की बात करें ठीक है, तो ये दोनों ज्यादा कहाँ पर काम कर रहे होंगे, ये ज्यादा काम कर रहे होंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ठीक है, क्योंकि वो ट्यूब्यूल्स वहां पर क्या करवा रही हैं, वहां पर सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन करवा रही हैं ठीक है। लूप ऑफ हेनल मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब करवा रही है, कलेक्टिंग डक्ट मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब करवा रही है ठीक है। तो इसलिए ये वाले हॉर्मोन्स ज्यादा कहाँ पर काम दिखाएंगे अपना, कि पेरिटिबुलर कैपिलरीज में दिखाएंगे ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा हमने ये देखा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं ठीक है, उनमें ज्यादा प्रेजेंट होंगे जिनमें ज्यादा वाटर को कंजर्व नहीं करना ठीक है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स उसमें ज्यादा प्रेजेंट होंगे जिस ऑर्गेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंजर्व करना है अपनी बॉडी में, बिकॉज दे आर हैविंग लॉन्ग लूप ऑफ हेनल ठीक है। चलो मैं अटेंडेंस ले लूं बेटा, अभी लीव नहीं करिएगा, मैं अटेंडेंस ऐसे ही लूंगी, फिर लीव कर दीजिएगा, टाइम इज अप। एक स्टूडेंट चला भी गया, ओके नाउ यू गाइस कैन लीव।